मामी पापा ने शताब्दी उजवीए। आवो आवो रे स्वामी बापा ने शताब्दी उजवीए। अरे स्वामी नो महिमा विश्वे बहाविए। अरे स्वामी नो महिमा विश्वे बहाविए। आवो 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 रे स्वामी बापा ने शताब्दी उजवीए। आवो आवो रे स्वामी बापा ने शताब्दी उजवीए। वाला प्रमुख स्वामी ने शताब्दी उजवी। आवो आवो रे स्वामी बापा ने शताब्दी। आवो आवो रे स्वामी बापा ने शताब्दी उजवीए। उन्होंने आत्मीयता का ऐसा सेतु रचा, बिना प्रेम के बिना संबंध के कभी परिवर्तन नहीं आता। प्रमुख स्वामी जी महाराज इतना बड़ा कार्य कर पाए, उन्होंने हजारों लोगों को व्यसनों से मुक्त किया। आज केवल बोडेली क्षेत्र में 30,000 आदिवासियों का समूह तैयार है जो संपूर्णतया नशे और मांसाहार से मुक्त जीवन जी रहा है, केवल बोडेली में। तो ऐसे तो हजारों आदिवासियों को उन्होंने ऐसा तैयार किया जो एक उच्चतर संस्कार युक्त जीवन आज जी रहे हैं, लेकिन उसके पीछे प्रमुख स्वामी जी महाराज का कठिन पुरुषार्थ और अपार वात्सल्य है। प्रमुख स्वामी जी ने स्वयं उन प्रदेशों में जाना शुरू किया। 1971 से यदि देखें तो 1971 में सूरत और तापी जिले में उन्होंने 20 दिनों में 90 गांव में विचरण किया था। 77 दौंडजा और सिलवासा के आसपास 17 दिनों में 90 गांव में विचरण। 1979 में पंचमहाल और भरूच जिले में 21 दिनों में 95 गांव में विचरण। 77 में साबरकांठा जिले में 45 डिग्री तापमान था, 91 गांव में विचरण किया। ऐसे तो बहुत सारे विचरण के दौर चले। 1988 में बोडेली के आसपास एक खांडिया अमादर गांव पर एक उत्सव रखा गया था, तो प्रमुख स्वामी जी महाराज वहां पर पधारने वाले थे। उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा संतों से कि आप ये बताइए कि मेरे निवास की व्यवस्था कहां पर की गई है। संतों ने कहा कि स्वामी जी जहां पर उत्सव है वहां से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर थोड़ी आपके अनुकूल व्यवस्था हो सके, ऐसा एक घर है वहां पर आपकी व्यवस्था की गई है। प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि क्यों इतना दूर, मुझे उसी गांव में उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। संतों ने कहा स्वामी जी कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर, कोई मकान नहीं जहां पर आपकी सुविधा हो सके। स्वामी जी ने कहा क्या सुविधा चाहिए हमें, रहने के लिए छत मिल जाए बहुत है। फिर संतों ने ढूंढा, कोई मकान पक्का नहीं था गांव में, एक मकान बन रहा था जिसमें खिड़की या दरवाजे लगे नहीं थे, ठंड का मौसम था, बहुत ठंड थी। प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हम उसी घर में रहेंगे, हमें क्या समस्या है, थोड़ी ठंड सहन कर लेंगे। तो उस घर में वे रहे जहां पर दरवाजे नहीं थे, जहां पर खिड़कियां नहीं थी, ठंड इतनी थी कि सहन ना हो सके। संतों ने कहा स्वामी जी शौचालय भी नहीं है वहां पर। प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि शौचालय बनाने में कितनी देर लगती है, 2 फीट का गड्ढा बना देना है, चारों ओर कंतान लगा देना है, बन गया शौचालय। तो ऐसी व्यवस्था में रहकर भी उन्होंने इन वनवासियों के साथ आत्मीयता का सेतु साधा। कई बार तो 5-5, 6-6 किलोमीटर चल कर भी वे अंदर गाँव में गए, उन सभी से मिले, उनसे वार्तालाप किया। इतना स्नेह, इतना वात्सल्य, इस स्नेह और वात्सल्य के परिणाम स्वरूप ही इतना बड़ा समर्पित और संस्कारी आदिवासी समाज आज हमें देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत सारी शैक्षिक सुविधाएं वहां पर शुरू की, उन्होंने स्कूल शुरू किए, उन्होंने छात्रावास शुरू किए, और उन स्कूल और छात्रावास में पढ़कर आज बच्चे ITI, इंजीनियरिंग, MBBS, मेडिकल, बहुत बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। सिलवासा में ही सेंट्रल बोर्ड का 1200 विद्यार्थी एक साथ पढ़ सके ऐसा स्कूल उन्होंने बनवाया। तो ये उनका कार्य बहुत बड़ा कार्यकलाप है, 5-10 मिनट में उसकी बात करना असंभव है। इसके ऊपर तो पुस्तकों के पुस्तक हम आरक्षित रखे तो भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस क्षेत्र में जो कार्य किया है उसका वर्णन करना असंभव है। यदि हम इस एक विषय में गहनता से अभ्यास करें तो एक ही बात हमारे मन में, एक ही शब्द हमारे मन में आता है, नेति नेति नेति।
भक्ति का अगर संदेश जाता है तो माँ शबरी की याद आती है। जब माँ शबरी एक बालिका के रूप में थी तो उनकी सगाई का कार्यक्रम हो रहा था, कुछ लोग दूल्हा पक्ष के देखने आए थे। परंपरा थी जनजाति समाज में शराब और मांस की, तो कुछ बकरे और कुछ शराब की बोतलें ला के रखी थी। उस बालिका के मन में जिज्ञासा आई, अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, ये जानवर क्यों लाए गए हैं और इन बर्तनों में क्या है। माँ ने अपनी बेटी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी शादी करवाने के लिए जो मेहमान आए हैं उनके लिए भोजन है ये। उसने कहा, माँ ये जानवर खाते हैं और ये शराब पियेंगे, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं शबरी अखंड कुंवारी रहूँगी, लेकिन जानवर खाने वालों को और शराब पीने वालों से शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। और प्रमुख स्वामी महाराज का जब हम देखते हैं तो उसके बाद मुझे जो स्मरण आता है कि जनजाति समाज को लोग कैसे समझें, ये उनके जीवन काल में दिखता है और उनसे सीखकर बहुत लोग ये करते हुए दिखते हैं। क्योंकि जनजाति समाज के जो मैंने कहा मौन रुदन है, वो तब ध्यान में आता है कि उसके गुणों को पहचानो, उसको बुद्धि से मत समझो, अपने मापदंडों से मत समझो, उसको हृदय से समझो, उसकी अनुभूति से समझो। और वो स्वामी जी ने जो किया था उसी के परिणाम हमको ये दिखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शबरी जो है वो हर गांव में है और उसे राम का इंतज़ार है। और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो हमें संदेश दिया उसको लेकर हमें हर गांव तक कैसे पहुंचेंगे, वैसा ही व्यवहार कैसे करेंगे, वैसे ही उनके साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, ये अगर हम करने में सफल हुए तो हमारा देश निश्चित रूप से विकसित देश होगा। आज भी यहाँ 10,000 वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति जीवित है और वो जीवित इसलिए है क्योंकि प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों की शक्ति ने भारत को जीवित रखा। ये प्रमुख स्वामी की शक्ति है कि उन्होंने हमारा संसार बचाया। ये तमाम साधु शक्ति जो हैं, उन तमाम साधु शक्ति को मैं वंदन करता हूं और वही संत शक्ति है जिसने इस जनजातीय समाज को बचाया है। इट इज ट्रूली इनक्रेडिबल टू सी दैट प्रमुख स्वामी वाज एबल टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन सच अ ग्लोबल स्केल बट स्टिल रिटेन द एबिलिटी टू बी विद पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। It has been truly wonderful to see how much BAPS is doing locally in the UK, supporting the vaccine challenges through the COVID pandemic, providing oxygen concentrators in India, serving Ukrainian refugees, and most recently helping address the cost of living crisis in the UK. I have spent 30 years working in the charitable sector, both in the UK and globally. And the size and scale of this festival, especially with more than 80,000 volunteers, is truly remarkable. Koti naman pramukh swami ke abhay charanon mein jo hame punah us sanskar dilwane ke liye itni prayatn kar rahe hain, kiye hain nahi ab bhi kar rahe hain, wo humse dur nahi hamare paas hai, jab unke vichar hain wo hamare saath hai। और सबसे बड़ी चीज है, प्रमुख स्वामी ने, मैं देख रहा था कि 7.5 लाख वो खत लिखे हैं। तो आप एक इस बात को थोड़ा गौर से चिंतन कीजिए, उनका हृदय साधारण लोगों के साथ कितनी जुड़ा हुआ था, कितना लगाव था। तो खत से, चिट्ठी के माध्यम से वो अपनी वार्ता वहां तक पहुंचाते थे। ये छोटी बात नहीं है। 89 में यहाँ अहमदाबाद में
धर्म संसद हुआ था कोरोना मुक्तेश्वर मंदिर में, सम्मेलन में मैं और मेरे गुरुजी शांतिकाली मेरे साथ ही था उस टाइम में। थोड़ा बाद में प्रमुख स्वामी महाराज जी ने आकर मंच में बैठा, स्वामी नारायण का मूर्ति उनका पास था, जो प्रमुख स्वामी जी को प्रणाम करने के लिए मेरे गुरुजी शांतिकाली ने आदेश किया। मैंने उनका चरण पकड़ कर मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मेरे ड्रेस पाकरी बहुत अच्छे से देखा है उन्होंने मुझे, तो मैंने कहा है कोई मेरे कोई भूल हो गया गुरुजी? उन्होंने कहा नहीं, तेरे सर पे बड़ा एक बूस पड़ने वाला है, तुम बहुत बड़ा एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। तो उसको बाद कहा है तेरे हाथ में बहुत बड़ा एक मंदिर बनेगा। वो दो आशीर्वाद दिया मुझे। पहले तो मैंने विश्वास नहीं हुआ था। 89 से अभी तक उनका कृपा उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, मैं पता चला उनका आशीर्वाद है, उनका कृपा मेरे पास है, इसलिए उनका जो 100 साल का जो आज के ये कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है। प्रमुख स्वामी महाराज गुरु तरीके गादी स्थान में बेसीने सबने मात्र आशीर्वाद आपवानुं के प्रवचनो आपवानुं ज काम नहोतुं कर्युं। तेमणे जीवनभर पोतानी जातने भगवान स्वामीनारायणना सेवक तरीके गणावी। आपणे तो एक सेवक छीए, आपणे तो सौनी सेवा ज करवानी होय तथा सौना भलामां आपणुं भलुं एवो मंत्र समाजने आप्यो छे। प्रमुख स्वामीए सरल सेवक बनीने आदिवासी विस्तार में गामडे गामडे आदिवासीना उत्थान माटे घणी बधी कामगीरी करी छे। आदिवासी विस्तार में आदिवासीओना झूपड़े झूपड़े जई अंधश्रद्धा वहम कुरिवाजो अने व्यसनोनी चुंगालमांथी छोड़ावी तेओने सुखी अने समृद्ध करा छे। नीतिमत्ता अने सच्चाई थी जीवनारा प्रमुख स्वामीजी महाराज केवु जीवन आप्युं छे आपणने, अने एमणे जे बोध आप्यो छे ए प्रमाणे आपणे जीवन जीवीए तो मने एवुं लागे के एमनी आ शताब्दी वर्ष आपणे उजवाना जे भागीदार बन्या छे एमना जे मार्ग आपणने बतावो छे ए मार्ग पर आपणे चालीए तो समझो के आपणे शताब्दी वर्ष उजवणीमां भाग लीधो। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આદિવાસીની વિશિષ્ટ ઓળખ આપી છે કે સૌથી આદિ ભગવાન છે, સૌથી આદિ ભગવાન છે, તેનું જેમાં વાસ છે તે આદિવાસી। સુંદર વ્યાખ્યા છે। આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખરેખર સમજતા, ખાલી વાતો નથી કરતી, સમજતા પોતે, ભલે બીજા તમને પછાત કહેતા હોય, પણ સ્વામી કે આદિવાસી કહેતા હોય, પણ આજે આપનામાં મને સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન થાય, આ ભાવથી તેઓ આદિવાસીઓના ઝૂંપડે ઝૂંપડે ગયા છે, તેઓના ઘેર રોકાયા છે, લો ગયા, હવે ક્યાં આદિવાસી પણ રહ્યો, તેઓનું ભોજન જમ્યા છે, તેઓના આવા હિત પ્રેમથી કેટલા આદિવાસીઓ પરિવર્તન આવે, પરિવર્તન કેવી રીતે, વ્યસન જે દુર્ગુણો હતા એ બધું મૂકીને સજ્જન આપણને શરમાવે એવા એવી રીતે તૈયાર થઈ ગયા, એ જે અપનાવે એ દિલથી જ માવે, દિલથી અપનાવે અને
ખૂબ આનંદમાં કેફમાં બળમાં રહે અને પોતાના બાળકોને પણ એ આ માર્ગે સત્સંગ કરજો એ રીતે વાત કરતા. આમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આદિવાસીઓનો સામાજિક અને આધ્યાત્મિક બે રીતે ગૌરવ વધાર્યું છે.